जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या, गोलीबारी में एक हमलावर भी मारा गया। घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली, फायरिंग में गनमैन भी मारा गया। हत्या के बाद पूरे शहर में पुलिस की नाकाबंदी। करणी सेना ने किया राजस्थान बंद का ऐलान, आरोपियों ने एनकाउंटर की मांग की है। नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं होने की दी है चेतावनी। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद जयपुर में हंगामा, सड़कों पर उतरे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सदस्य, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद राजस्थान में बवाल, आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया है सर्कुलर, पूरे प्रदेश में इंटेलिजेंस सिस्टम को अलर्ट रखने के दिए हैं निर्देश। रोहित गोदारा ने ली सुखदेव सिंह की हत्या की जिम्मेदारी, लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया जा रहा है रोहित गोदारा। उदयपुर में सड़कों पर उतरे करणी सेना के कार्यकर्ता, कलेक्ट्रेट के बाहर किया जमकर प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। गोगा मेडी हत्याकांड को लेकर भारी आक्रोश, गांव वालों ने आगरा रोड पर लगाया लंबा जाम। दौसा में राजपूत समाज का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या पर जताया विरोध। करणी सेना का राजस्थान के राजसमंद जिले में प्रदर्शन, हत्यारों को फांसी की सजा की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा करणी सेना के अध्यक्ष ने गहलोत से मांगी थी सुरक्षा। गौमूत्र वाले बयान पर डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने मांगी माफी, सेंथिल ने कहा था सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है बीजेपी। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की प्रतिक्रिया सामने आई, गौमूत्र वाले बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा ऐसे बयानों से हम कमजोर होते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा के बीच बड़ी बैठक, तीन राज्यों के सीएम उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, जल्द ऐलान संभव। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री, 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मिजोरम में 8 दिसंबर को शपथ समारोह, लाल दुमोहा लेंगे सीएम पद की शपथ। अशोक गहलोत की यूएसडी, लोकेश शर्मा का दावा, 2020 के राजनीतिक संकट के वक्त सचिन पायलट की एक्टिविटी को किया गया ट्रैक। राजगढ़ में बोरवेल में गिरी बच्ची का रेस्क्यू, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मिलकर चलाया था ऑपरेशन। चेन्नई के कई हिस्सों में तूफान के प्रभाव से भारी जलभराव, जयनगर इलाके में भारी बारिश के बाद बिगड़ गए हैं हालात। चक्रवाती तूफान के चलते आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश, बापटला में तेज हवा के साथ हुई बारिश। चेन्नई में मिचौंग तूफान में फंसे आमिर खान, भारी तबाही के बीच उन्हें रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में चक्रवात का असर, भारी बारिश के चलते डैम हुआ ओवरफ्लो। हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया वीडियो। इजरायल में गाजा की ओर से रॉकेट अटैक्स, अश्कलोन में रिहायशी इमारत को बनाया अपना निशाना। खान यूनिस में इजरायली सैनिकों पर हमला करते नजर आए हमास के आतंकी इस्लामिक जिहाद ने जारी किया वीडियो। Zee News.